हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत। या इस ऑडियो में हम लोग अप्रैल 2024 में जितने भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, एक पत्ता मेला है, पत्ता मेला जो कि पूर्णिया में ऑर्गेनाइज किया गया। पत्ता मेला ये एक ट्राइबल लोगों का एक मैरिज की तरह होता है। मतलब इस मेला में हम लोग का शादी किया जाता है। तो ये पत्ता मेला पूर्णिया में है, ट्राइबल मैरिज से रिलेटेड है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, आपको पता होगा कि ये पटना में बन रहा है, बहुत सालों से बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उसके बाद एक चीज़ ये याद रखिए कि भारत गौरव अवार्ड एक आदमी को दिया गया है जिसका नाम है किशोर कुणाल। भारत गौरव अवार्ड जो है किशोर कुणाल जी को मिला है। आपको पता होना चाहिए, एक लोकसभा इलेक्शन 2024 हुआ था ना, उसके लिए बिहार का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो परंपरा ठाकुर को, जो सिंगर परंपरा ठाकुर है ना, उनको बनाया गया था। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो परंपरा ठाकुर को बनाया गया था, जो कि सिंगर है, वो पूर्णिया से बिलोंग करती है। उसके बाद एक ये याद रखिएगा कि बिहार में टेलीकॉम डेंसिटी कितना है। तो बिहार में टेलीकॉम डेंसिटी जो कि ट्राई के द्वारा बोला गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया के द्वारा बोला गया कि 56.66%, 56.66% जो है बिहार में टेलीकॉम डेंसिटी है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि जीरो वेस्ट इलेक्शन कराने वाला देश का पहला मतलब इलेक्शन सेंटर कौन बना था। तो ये पटना में बना था, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसे किया था। जीरो वेस्ट इलेक्शन मतलब उस इलेक्शन में सब कुछ मतलब नेट जीरो रहा था। जीरो वेस्ट इलेक्शन कहेगा पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा करवाया गया। एक मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 किसने जीता है? मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो जीता है वो कृतिका राजलक्ष्मी ने जीता है। कृतिका राजलक्ष्मी ऑफ पटना, पटना से बिलोंग करती है, इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। एक पटवा टोली विलेज है गया का एक पटवा टोली विलेज है, इसको IIT फैक्ट्री के रूप में लोग बोल रहे हैं, IIT फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ घर घर से एक लोग IIT में है। तो पटवा टोली विलेज गया का है जो कि न्यूज में रहा है। 2023-24 में नवार ने कितना लोन दिया बिहार गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया? तो नवार ने 10,372.86 करोड़ रुपया जो है, नवार ने बिहार को 10,372.86 करोड़ रुपया जो है 2023-24 में फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में प्रोवाइड किया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि IIT पटना के बच्चों ने एक सूटकेस इन्वर्टर बनाया है जो कि -19 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करेगा। लिथियम बैटरी का उपयोग करके बहुत ही छोटा सा इन्वर्टर बना दिया जो आप इधर से उधर ले भी जा सकते हैं। फिश प्रोडक्शन में बिहार ने पिछले साल से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और 27,000 टन फिश प्रोडक्शन ज़्यादा किया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि फिश प्रोडक्शन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है। बिहार पिछले साल के कंपेयर में 8.46 से लाख टन से 8.73 लाख टन, मतलब दैट मीन 27,000 टन की बढ़ोतरी, 8.46 लाख टन से 8.73 लाख टन तक पहुंच गया है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। एक मगही नॉवेल था, एक नहीं मतलब बिहार का ये फर्स्ट मगही नॉवेल था जिसका नाम था फूल बहादुर। इसको एक अवाई के नाम के लड़के ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो पूछेगा कि बिहार का फर्स्ट मगही नॉवेल का नाम क्या था? फूल बहादुर था, ट्रांसलेटेड बाय अवाई के इंग्लिश। ठीक है, अवाई के जो है नालंदा से बिलोंग करते हैं, और एक्चुअली ये जो नॉवेल था फूल बहादुर, ये जगतनाथ पति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक मगही नॉवेल है, फर्स्ट मगही नॉवेल जिसका नाम फूल बहादुर है। एक्चुअल इसका राइटर जो है जगन्नाथ पति जी है, लेकिन इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अवाई के ने। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली जो है ना, बिहार में एविडेंसेज मिले हैं कि राज्य में मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हुआ करता था। मतलब ऐसा एविडेंस मिला है कि राजगीर में मतलब भूकंप से लड़ने वाले बिल्डिंग हुआ करता था, और साथ ही साथ कंक्रीट रोड हुआ करता था जो कि प्री मौर्यन एज का है, प्री मौर्यन एज से पहले का है। ठीक है, तो ऐसा एविडेंस कहाँ मिला है? तो राजगीर में मिला है। देखिए, मैंने दो रैंकिंग बताया, NIRF का रैंकिंग बताया, IIRF का रैंकिंग बताया। एक और रैंकिंग आया है जिसका नाम है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को 163वां रैंक मिला है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। पूरे एशिया में IIT पटना का रैंकिंग 163वां है आउट ऑफ 250 यूनिवर्सिटी।
उसके बाद याद रखिएगा कि लाइटनिंग रिलेटेड डेथ, जो लाइटनिंग होता है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो होता है, तो लाइटनिंग रिलेटेड डेथ बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हुआ है। बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में लाइटनिंग से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसा किसने बोला है? तो IMD साइंटिस्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने बोला है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए केसरिया स्तूप के बारे में। केसरिया स्तूप जो कि पूर्वी चंपारण में बिलोंग करता है, केसरिया स्तूप बुद्ध बुद्ध का एक स्तूप है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्तूप है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्तूप का नाम पूछे तो केसरिया स्तूप है, पूर्वी चंपारण में बिलोंग करता है। नीतीश कुमार ने डिमांड किया कि इसको ग्लोबल टूरिज्म मैप पे इसको मतलब शामिल करें, ग्लोबल टूरिज्म मैप जो है उसमें इसको शामिल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र हो सकता है, जो कि अभी उतना ज़्यादा नहीं मतलब प्रचलित है। केसरिया स्तूप ऑफ ईस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूपी के चाइल्ड कमीशन ने, यूपी चाइल्ड कमीशन, उत्तर प्रदेश के चाइल्ड कमीशन ने बिहार के 95 बच्चों का जान बचाया है, जिसको यहाँ से पकड़ करके फोर्स लेबर कराने के लिए ले गया था, इलीगली बीइंग टेकन फ्रॉम द बिहार टू यूपी। 95 बच्चों को सेव किया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिए। और इस मंथ में और कुछ आई थिंक नहीं इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही था। रामधारी सिंह दिनकर का नाम याद रखिए, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको 50वां एनिवर्सरी मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया था। ये अभी बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। इसको 1959 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। 50th एनिवर्सरी जो है रिसेंटली मनाया गया बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, उस समय बेगूसराय नहीं करता है लेकिन प्रेजेंट में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और एक मुन्ना शाह है, मुन्ना शाह, तो ये मुन्ना शाह ने क्या किया है? मुन्ना शाह ने 3 मेडल जीता है, नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप, और ये बिलोंग करते हैं सारण छपरा से। मुन्ना शाह ने 3 मेडल जीता है इन नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप। बिहार का GST कलेक्शन इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से 18.13%, ऐसा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि बिहार का जो GST कलेक्शन है 18.13% से इंक्रीज किया है। नेशनल रेसलिंग चैंपियन कंपटीशन हुआ था, BHU में हुआ था, बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ था, नेशनल रेसलिंग कंपटीशन। इसमें बेगूसराय की लड़की हैं जूही कुमारी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेशनल रेसलिंग कंपटीशन में जूही कुमारी ऑफ बेगूसराय क्या कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इस मंथ में नहीं है। थैंक यू एवरीवन।